अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का चैप्टर चल रहा था, और आज के लेक्चर के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद कॉन्सेप्चुअल एडिशनल डेटा एंड बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेज ऑफ इन्वेंट्रीज के साथ एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि ईयर 2016 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आया था। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, बच्चों को कंफ्यूज किया इसने, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे और बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं, नवीद हाशमी इज द मैन्युफैक्चरर, द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 अक्टूबर 2016। ठीक है जी, ये उसका पूरा डेटा गिवन है। स्टॉक एट 1 नवंबर 2015, यानी कि बिगिनिंग बैलेंसेज ऑफ इन्वेंट्रीज हैं। रॉ मटेरियल आपके पास 77 का था, वर्क इन प्रोसेस 35,100 का, फिनिश गुड्स आपके पास 50,300 की थी, और आपने इस साल मटेरियल जो परचेज किया वो 12,28,500 का। परचेज रिटर्न जो आपका हुआ रॉ मटेरियल का वो 28,500 हुआ। डायरेक्ट वेजेस जो आपने पे की वो 4,46,000 की पे की। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी 3,06,000 है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 92,300 है। ऑफिस की सैलरीज हैं 362,186 ऑफिस एक्सपेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 234,000 की। 4,00,000 के आपके फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट दी हुई है। ऑफिस इक्विपमेंट एट कॉस्ट 240 दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000 है आपके पास, और इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट आपके पास गिवन है 15,360 का। उसके बाद आपके पास सेल्स है 25,55,300 का, और बैंक में आपके पास कैश मौजूद है 5,63,600 का। ठीक है जी, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पर मजीद इसके एडिशनल फॉर्मेशन मौजूद है। साल के आखिर में आपके पास जो स्टॉक मौजूद है 2016 अक्टूबर 31 का, वो ये है। रॉ मटेरियल आपके पास 87,000 का बचा, वर्क इन प्रोसेस 41,200 और फिनिश गुड्स आपके पास 80,300 की है। ठीक है जी, अब आपको कह रहे हैं कि डायरेक्ट वेजेस 54,000 वर अक्रूड। ठीक है ना, जो डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस हैं, जो डायरेक्ट लेबर जिसको हम कहेंगे, वो 54,000 से अक्रूड हैं, यानी कि एक्सपेंस तो हो गया, काम तो करवा लिया बट अभी पे नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 18,600 से प्रीपेड है, बच गई है, एक्सपायर नहीं हुई है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, आपने फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो 15% करना है पर एनम सालाना, और कैसे, स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हुए। और जो रेजिडुअल वैल्यू आपकी प्लांट एंड मशीनरी की वो है 40,000 रुपीज। ओके जी, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 40% से होगा सालाना, और यूज करेंगे उसके लिए आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि फैक्ट्री के अंदर आपके स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है और ऑफिस इक्विपमेंट या ऑफिस के अंदर आपके पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को फॉलो किया जा रहा है। अब आपने रिक्वायर्ड में देखा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाना है और प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी है। तो अगर इन शॉर्ट में आपको कहूँ, आप क्वेश्चन बड़ा देखकर घबरा गए, तो ये जो डेप्रिसिएशन की फोर्थ इन्फॉर्मेशन है ये हमारे बिल्कुल काम की नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा, इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी नहीं है, हमने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी है। ठीक है जी, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है ये भी ऑफिस का पार्ट होगी, सेलिंग का पार्ट होगी, ये भी नहीं आएगी, प्रीपेड तो बैलेंस शीट का पार्ट है, इस हिस्से को भी हमने नहीं लेना है। ठीक है जी, बाकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फैक्ट्री इक्विपमेंट पे वो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, सेल्स हम नहीं लेंगे क्योंकि इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाने वाले, बैंक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं होगी, इसको भी हम नहीं लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं ऑफिस एक्सपेंस की बात करूँ वो नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारे पास नहीं आएगा, ऑफिस सैलरीज भी हमारे पास नहीं आएगा, तो आपकी आधी टेंशन तो यहीं दूर हो गई। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, और सबसे पहले बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट नवीद हाशमी की फॉर द पीरियड एंडेड अक्टूबर 31, 2016। ओके जी, डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल था 1,77,000 का, आपने परचेज किया इस साल 12,28,500 का, उसमें से जो रिटर्न किया था वो माइनस किया। ठीक है जी, यानी कि बिगिनिंग और परचेज ऐड किया और रिटर्न माइनस किया, तो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि जो परचेज किया उसमें से माइनस करवाया
रॉ मटेरियल रिटर्न, तो वो आ जाएगा नेट परचेजेस। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रॉ मटेरियल एंडिंग में जो आपके पास मौजूद था वो 87,000 का था, वो आपने माइनस करवाया, इस साल आपने जो मटेरियल यूज किया प्रोडक्शन के लिए वो 11,19,000 का किया है। इसी तरीके से आपके पास जो डायरेक्ट वेजेस थी डायरेक्ट लेबर की वो 4,46,000 की थी, और उसके अलावा अक्रूड वेजेस थी फैक्ट्री वर्कर्स की डायरेक्ट लेबर की 54,000 की। एक्सपेंस तो इनकर्ड हो गया था, तो आप ऐड करेंगे, बस पे नहीं किया, पेमेंट नहीं हुई। तो जब आप रॉ मटेरियल को और डायरेक्ट लेबर को ऐड करवाते हैं तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है जो कि कितनी है 16,90,000। उसके बाद आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड थे, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है जो कि इसमें इंक्लूड होगी, इनडायरेक्ट फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास आएंगे, उसके अलावा जो एक्सपेंसेस थे मैंने कटवा दिए। एक ही एक्सपेंस आएगा जो कि क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लांट एंड मशीनरी पे। अब आपको ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि जो कॉस्ट थी प्लांट एंड मशीनरी की वो 4 लाख थी, और यहाँ मैं वापस आपको लेके चलूँ कि जो प्लांट एंड मशीनरी की रेजिजुअल वैल्यू थी उसको आप माइनस करवाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का SLM का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको क्या कहते हैं, वो फॉर्मूला कहते हैं कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, ठीक है जी, और यूजफुल लाइफ इन ईयर। अब यूजफुल लाइफ तो यहाँ पर दी हुई नहीं है, अब कॉस्ट में से सेल्वेज वैल्यू को माइनस करवा कर, क्योंकि रेट अप्लाई करना है तो रेट से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, यूजफुल लाइफ से नहीं करेंगे। तो ये आपका ये सेकेंड फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज या रेट आप कह लें, ठीक है जी। तो हम आगे चलते हैं और इस कंप्यूटेशन करते हैं, इसकी कॉस्ट कितनी थी 4 लाख, आपने माइनस की सेल्वेज वैल्यू 40,000, तो 360 को आ गई बुक वैल्यू, 3,60,000 का 15% आपके पास होता है 54,000 रुपीज, ठीक है जी। ये तीन फैक्ट्री ओवरहेड थे, तीनों को प्लस किया तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हो गया 4,52,300। प्राइम कॉस्ट प्लस टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 21,42,300 आपके पास आ गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। जो इस साल आप बना रहे हो उसमें जिस वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करवा देंगे जो पहले से काम चलता हुआ आ रहा था 35,100 का, तो आपके पास टोटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड आ गया 21,77,400। और जो एंडिंग है अभी भी काम हो रहा है और कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, वो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है 41,200 का, माइनस करवाया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो इस टाइम पीरियड में या इस साल में आपने गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किए उसकी कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई 21,36,200 की, ठीक है जी। अब आप बनाएंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट नवीद हाशमी फॉर द पीरियड एंडेड October 31, 2016। छोटी सी स्टेटमेंट बनेगी, क्वेश्चन इतना बड़ा था, डरने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन बिल्कुल आसान। फिनिश गुड्स आपके पास पहले से मौजूद थी 50,300 की, और इस साल जो आपने फिनिश की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 21,36,200 ऐड करवाया, तो टोटल मर्चेंडाइज या फिनिश गुड्स अवेलेबल हैं आपके पास 21,86,500 की बेचने के लिए। जो नहीं सोल्ड आउट हुई फिनिश गुड्स एंडिंग वो 80,300 की हैं, वो माइनस करवाया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो माल आपने बेचा उसकी कॉस्ट आपको कितने की पड़ी 21,06,200 रुपीज की। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, कोई ऐसी मुश्किल बात इसमें नहीं थी, आपने बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना था और रिक्वायर्ड के मुताबिक अपना काम करना था। अगर फिर भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।